वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं कल्चरल इवेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं एंटरटेनमेंट के बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह कुछ भी इस तरह की गैदरिंग्स और सोशल इवेंट्स वगैरह जो ना वो काफी सारे जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं वो हो रहे होते हैं मूवीज लग रही होती हैं थिएटर्स में तो ऑफरिंग समथिंग एवरी वन के मतलब हर एक के लिए कोई ना कोई ऑप्शन एंटरटेनमेंट की मौजूद होती है तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट ऑप्शन की बात करें कि अबाउंड है जैसे आप कह सकते हैं कि आ, आ, ग्रोथ ऑपरचुनिटीज आर अबाउंट ठीक है यहाँ पर जो है ना आपको इस यूनिवर्सिटी में आपको ग्रोथ की या इस, इस कंपनी में आपको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपर्चुनिटीज मिलेंगे तो आप कहेंगे कि इन इन दिस कंपनी ग्रोथ ऑपरचुनिटीज अबाउंट मतलब कि ग्रोथ की जो अपरचुनिटीज हैं आपके पास आगे सेल करने की वो आपको बहुत ज़्यादा इस कंपनी में मिले

लिटरेचर आ जाता है ठीक है जो कि सतारवी सदी में और 18वीं सदी के जो अवाइल है जो उसका अर्ली टाइम पीरियड है 18वीं सदी का उसमें वो यूरोप के अंदर ये आर्ट फॉर्म जो है वो डेवलप हुई है और ये आर्ट फॉर्म म्यूजिक में हुई पेंटिंग में हुई आर्किटेक्चर में हुई लिटरेचर में हुई और स्कल्पचर में हुई आप पुराने देखें इस यूरोप के अंदर आपको बहुत ही मतलब खूबसूरत बड़ी आप देखें तो इतनी नफास्त से बनाए हुए स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे तो ये सारे जो बराक आर्ट फॉर्म है ना उससे रिलेटेड है ठीक है उनको कहा जाता है ये इस टाइम पीरियड में जो आर्ट वहां पर फॉर्म हुआ है ना उस फॉर्म को जो है वो बड़ा बोला जाता है अच्छा जी सेंटेंस क्या द म्यूजिशियन हिज शोक स्टाइल कंपोजिशन ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट मतलब एक म्यूजिशियन है उसने अपनी कोई कंपोजिशन बनाई जो उसने एक किसी कॉन्सर्ट में प्ले की और वो जो कंपोजिशन का जो स्टाइल है ना वो बरॉक स्टाइल था मतलब वो उस टाइम में जो जिस तरह का म्यूजिक डेवलप हुआ था उसने उस स्टाइल से इंस्पायर होकर तो उसने अपनी एक कंपोजिशन बनाई अच्छा नेक्स्ट नंबर से वो है जी खजोल खजोल uh, जो है ये वर्ब हर, इसका है इसका मतलब टू परसुएट समवन टू डू समथिंग बाय फ्लैक्ट्री अच्छा खजोल करना किसी को वर्ब है ये इसका मतलब होता है कि किसी इंसान की आप बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं खुशामद करें और खुशामद करके उससे अपनी मर्जी का काम करवा लें ये ये मतलब बहुत से लोगों को ये आर्ट आता होता है और ये यूजफुल यूजफुल है और ऑब्वियसली इसमें जो फ्लैटरी होती है या जो इसमें खुशामद यूज की जाती है ऑब्वियसली वो झूठी होती है कुछ सच और कुछ झूठ भी मिक्स हो सकता है झूठा झूठी फ्लैटरी भी हो सकती है कि, कि किसी को जिसको हम बटरिंग करना भी कहते हैं कि किसी को इतना मक्खन लगाओ कि वो आपकी बातों में आ जाए और जो आप चाहते हैं उससे काम लेना वो कर दे

डिस्काउंट हासिल कर लिया ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है भाई जी डोंट डोंट uh, जो है ना ये वर्ड है इसका मतलब है टू मेक समवन फील इंटिमिडेटेड एप्रिहेन्सिव और डिस्करेज्ड एप्रिहेन्सिव का मतलब ये होता है इंटिमिडेटेड का ये सारे जो है ना ये इंटिमिडेटेड और एप्रिहेन्सिव इस एक गेस सिनोनिम समझ लीजिए इसका मतलब ये होता है हॉफ ज्यादा होना ठीक है अः जैसे कि आप इंटरमीडिएट हो गए किसी किसी चीज से आपको हौफजदा हो गए डोंट का मतलब यही हो गया ज्यादा हो जाना किसी चीज से कोई भी चीज हो सकती है जैसे आप देखें कि हमारे जो बड़े हैं वो अक्सर टेक्नोलॉजी से डॉन्ट हो जाते हैं ठीक है मतलब वो खौफजदा हो जाते हैं इंटिमिडेट हो जाते हैं आ, उनको लगता है कि अप्रीहेंड हो जाते हैं और क्योंकि टेक्नोलॉजी से इतने फैमिलियर नहीं होते हैं ना तो वो डर जाते हैं उसे एक तरह से डिस्करेज हो जाते हैं आ, जो है इस तरह से कोई भी चीज़ जैसे आप, आप किसी ऐसी जगह में रात को चले जाएं तो वहां का जो खामोश एटमोसफियर और अंधेरा है वो डोंटिंग होता है डोंटिंग इसका जो एडजेक्टिव है ठीक है तो वो डोंट करता है कि आपको आपको या आपको इंटीमिडियट करता है इसी तरह से कुछ लोग भी होते हैं जो इंटीमिडियटिंग होते हैं मतलब वो इतने आ, क्या कहेंगे उनकी पर्सनैलिटी इतनी डोमिनटिंग होती है कि अक्सर आप उनसे इंटीमिडियट हो जाते हैं उनसे थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हैं थोड़ा आप जो है ना वो संभल कर बात करते हैं कि ये तो कभी भी जो ना डांट सकते हैं ठीक है तो उस इस तरह के जो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं उनसे हम इंटीमिडियट हो जाते हैं ठीक है हम

चीज ने उसको मोटिवेट किया कि वो और ज्यादा मेहनत करे ठीक है तो उसने उसको पॉजिटिव सेंस में लिया है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी पास्यूलियंट अब्यूलियंट जो है ना Uh, ये, adjective ये इसका मतलब होता है समथिंग और फुल ऑफ इबोलियंट वो इंसान होता है जो इंसान जो है ना वो बहुत किस्म का हो एनर्जी हो जोश से भरा हुआ इंसान हो बड़ा चीयरफुल हो हर वक्त हंसता खेलता रहता हो हंसी मजाक करता हो ठीक है एक बड़ी लाइवली किस्म की जिनकी पर्सनैलिटी होती है ना ऐसे इंसान को आप एबोलियंट कहेंगे uh, जैसे कि सेंटेंस है पॉजिटिविटी उसकी एक बहुत ही पर्सनैलिटी है मतलब बहुत ही लाइवली शेयरफुल सी बड़ी खुशगवार किस्म की कि उसकी पर्सनैलिटी हंसती खेलती पर्सनैलिटी है तो उसकी वजह से वो पार्टी की लाइफ होती है मतलब पार्टी की वो जान होती है किसी भी गैदरिंग में कोई भी सोशल इवेंट होता है उसमें वो सबकी जान होती है और ऑलवेज स्प्रेडिंग जॉय एंड पॉजिटिविटी क्योंकि वो हमेशा खुशियाँ और जो है न वो पॉजिटिविटी जो है uh, वो बिखेरती है ठीक अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी फैक्शियस फैक्शियस जो है ना ऑब्जेक्टिव इसको समझ लीजिएगा थोड़ा तो सा अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल कैक्टराइज बाय डिसेंशन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंडेंसी टू प्रमोट डिसएग्रीमेंट और डिवीजन देखिए फैक्शियस जो है ना वर्ड या तो किसी ग्रुप के लिए इस्तेमाल होगा वो कोई कंपनी हो सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कोई जमात हो सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है मतलब ग्रुप जिसको कहते हैं ना जो बहुत से लोगों से मिलकर कोई बना है वो कुछ भी हो सकता है कोई पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ग्रुप कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई यूनिवर्सिटी कोई एकेडमिक मतलब के जो इंस्टीट्यूट है ठीक है कुछ भी वो अगर उसको फैक्शन अब तब कहेंगे जब उस ग्रुप के अंदर ना डिसएग्रीमेंट्स जो है वो आ, मतलब वो डेवलप होना शुरू हो जाए मतलब उसमें जो है ना वो लोगों के दरमियान में इख्तलाफात होना लग जाए वो उस उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक ग्रुप जो है उसकी कोई और ओपिनियन हो दूसरे की कोई और ओपिनियन हो तीसरे की कोई और मतलब उसमें तजादात आ जाए उनके दरम्यान में इख्तलाफात आ जाए तो जिस भी पार्टी के अंदर किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर ऐसा होने लग जाए कि उस इंस्टीट्यूट या उस पार्टी में काम करने वाले लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले उनके दरमियान में इख्तलाफा तो बहुत सारे आ जाएं, तो ऐसी पार्टी को या ऐसे ग्रुप को अफेक्शियस कहेंगे अब किसी इंसान को अफेक्शियस आप कब कहेंगे किसी इंसान को अब इंडिविजुअल के लिए जब तब यूज होता है इस मीनिंग में कि वो इंसान जो कि डिसएग्रीमेंट्स को प्रमोट करता है जो इख्तलाफात को क्रिएट करता है या प्रमोट करता है उनको भरावा देता है जो इख्तलाफात जो है ना वो पैदा करता है जिसको हम कहते हैं तो ऐसे इंसान को फैक्शियस कहेंगे और कोई पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप जिसमें कि इख्त पैदा हो जाए तो उसको भी फैक्शियस कहेंगे ठीक है तो आई होप के समझ में आते क्योंकि थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है जब हम इसको किसी ग्रुप के लिए इस्तेमाल करेंगे और जब हम किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे इंसान के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये वो इंसान है जो इख्त पैदा करता है जिसको हम अक्सर फितना टाइप लोग नहीं कहते हैं जो कि इख्तलाफा

उसकी वजह से क्योंकि उसके जो इंप्लॉइज़ है ना उसमें फैक्शियस एलिमेंट्स आ गए मतलब उसमें ऐसे कुछ लोग आ गए जो कि अख्तलाफात मतलब इख्त वाले एलिमेंट्स आ गए कुछ इंप्लॉयज़ कुछ चाहते हैं दूसरे इम्प्लॉयज़ कुछ चाहते हैं तीसरे टाइप के इंप्लॉयज़ कुछ और चीज़ें चाहते हैं तो उनके दरम्यान में इख्तलाफा जब आ गए तो उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का फेस करना पड़ा क्योंकि लीडिंग टू अ लैक ऑफ यूनिटी जाहिर बात है इससे जो है वो यूनिटी जो यकजहती है वो कमज़ोर पड़ी इन अचीविंग ज़ाहिर बात है कि जब इंप्लाइज में यूनिटी uh, नहीं रहेगी तो फिर जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करना मुश्किल होगा अच्छा है uh, इंडिविजुअल्स के लिए इतना इस्तेमाल नहीं होता है कम होता है ठीक है अच्छा आगे है जी गैफ गैफ जो है ना इसको समझ लीजिए ब्लेंडर है ठीक है सोशल ब्लेंडर बस इसी से इसको समझ लीजिए कोई इंसान सोशल गैदरिंग में कोई ऐसी बात कर दे कि जिससे वो एम्बेस हो जाए तो वो गैफ है उसका ठीक है समटाइम्स क्या होता है कि जैसे किसी गैदरिंग में को, हम कोई ऐसा ऐसी बात बोल देते हैं कि जिससे हम दूसरे के सामने ना हम कहते ओह ये मैंने क्या बोल दिया और आपकी एक इंसल्ट हो जाती है और आप बहुत एम्बेरस्ड फील करते हैं कि उपस, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था तो ये गैफ है पर जैसे कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं अच्छा हमारे यहाँ नॉर्मली ये भी होता है हम सोशल गैदरिंग में कहीं कोई वर्ड गलत प्रनाउंस कर दे ना इंग्लिश का तो ये भी गैप में आ जाता है क्योंकि लोग हमें बैट फील करवाते हैं मैं इसको बुरा नहीं समझती जाहिर बात है इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज या हम नॉन नेटिव है हम कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है ठीक है तो वी वी टू टू मेक मिस्टेक्स प्रनाउंस वर्ड्स लेकिन जाहिर बात है सीखना चाहिए कि हम सही प्रोनाउंसिएशन या सही इंग्लिश बोले बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम

नाउंस कर दिए या वैसे ही गलत बोल दिए ठीक है तो ये गैप होता है फिर उनके लिए एम्बेसमेंट हो जाती है क्योंकि फिर मीडिया रिपोर्ट करने लग जाता है हर तरफ होने लग जाती है ठीक है तो फिर वो ऐसे ऐसी बातें जो है पॉलिटिशियंस के लिए वो गैफ बन जाती है कोई ऐसा कॉमेंट या स्टेटमेंट दे देना कि जो बाद में एम्बेसमेंट का बायस बन जाए तो वो भी गैफ होती है अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास है, है, हैक्नेड जो है ना ये और इसका मतलब है फ्रेज आइडिया और एक्सप्रेशन दैट हैज हैजर यूज टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग इट्स ओरिजिनलिटी और इंपैक्ट देखें कोई फ्रेज कोई आइडिया कोई कोई बात जैसे हम आम बोल देते हैं और वो इतना ज्यादा बोला गया हो आज तक कि वो अपना जो ओरिजिनल उसका जो मीनिंग है ना जो इम्पैक्ट है ठीक है जो असर है वो असर अपना जो है ना वो लूज कर गया अब लोग उसको नॉर्मल लेते हैं अब लोग उसका असर नहीं लेते हैं, जैसे कि सच को आंच नहीं है अब ये इतना ज्यादा यूज हुआ हुआ है इतना ज्यादा यूज हुआ हुआ है कि लोग अब इसकी जो ओरिजिनल इम्पैक्ट है ना कि हाँ भाई सच बोलना चाहिए और जो सच्चा इंसान होता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है अब ये असर इस इस जुमले में से खत्म हो चुका हुआ है तो इस तरह के जितने भी फ्रेजेज होते हैं जितनी भी बातें होती है ना जितने भी जुमले होते हैं जो कि uh, uh, मतलब ओवर द टाइम इतने ज्यादा यूज हो चुके हुए हैं ओवर यूज हो चुके हुए हैं कि अब वो अपना असर खो चुके हुए हैं तो उनको अब हैकनेड बोला जाता है उनको ठीक है अच्छा एक क्लिशेज भी बोला जाता है इनको इनके लिए इसका आपको हैकनेट से ना क्लिशेज मुझे याद आ गया क्लिशे जो होता है आ, वो भी इसी मैं में क्लिशे का मतलब ये होता है कि जो हम बातें सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं हम ओरिजिनली उनको मीन नहीं करते हैं जैसे कि अक्सर वो कह देते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा पर चांद ताड़े ओरिजिनली तोड़े जा सकते हैं ठीक है तो या कहने का मकसद कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा लेकिन ऐसा होता नहीं है कोई करता नहीं है किसी के लिए कुछ भी ठीक है तो बस लोग कहने के लिए कह देते हैं कुछ चीजों को जैसे पोलिटिकल वो क्लिशेज होती है जैसे पोलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम तो कौम की खिदमत के लिए जो है वो सियासत में आए हैं तो ये भी बस कहने के लिए कहते हैं वो पैसा बनाने के लिए और पावर के लिए आए होते हैं सियासत में ठीक है तो वो क्लिशेज होते हैं तो उसी से मुझे हैकनेट से मुझे क्लिशे याद आ गया तो इसका क्या है सेंटेंस द एडवर्टाइजिंग यूज ऑफ फेल टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस हाँ जो एडवर्टाइजिंग uh, होती है ना मुख्तलिज की उन कंपेन में आप देखें जो स्लोगन्स इस्तेमाल होते हैं अगर उसमें हैक्नेड इस्तेमाल कर ले ना कि uh, मतलब वो स्लोग वैसी लाइन्स जो जो कि पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई हुई हैं और वो अब एक क्लिशे बन गई हुई है एक हैड बन गई है कि लोगों का उसके खास असर नहीं होता है अब लोगों पे मतलब वो बस ऐसे लोग सुन लेते हैं और उसका कोई नहीं लेते हैं लोगों पर वो अंदाज़ तो उससे क्या होगा फिर ज़ाहिर बात है टारगेट ऑडियंस जो है ना वो उनकी अटेंशन नहीं है, आपको कैप्चर होगी ठीक है तो अक्सर देखिएगा कि बड़े कैची किस्म के स्लोगन्स बनाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल नहीं किए जाते ओके okay, जी फ्रेंड्स यहाँ पर लेसन जो है वो ख़त्म होता है आई होप के इंटरेस्टिंग लेसन था आपको आपने इंटरेस्टिंग वर्ड सीखे हैं आपको हेल्प करेंगे ये आई होप कि आप किसी जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका अच्छा गुजरे एंड आई यू नेक्स्ट अल्लाह